सो ही दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है ना हाई खाई से। तो आज अब छठ का पहला दिन, तो चलो चलते प्रसाद खाने के लिए। मैं और मम्मी यहाँ पे प्रसाद खाने के लिए आ चुके हैं और मानसी भी हमारे साथ आई है। भैया बाद में आएगा क्योंकि वो अभी सो रहा है। तो चलो हम लोग प्रसाद खा लेते हैं। नहाए खाए और पारन का प्रसाद मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और खन्ना का भी प्रसाद बहुत ज्यादा टेस्टी है। सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैंने पहना है ये व्हाइट कलर का सूट और ये व्हाइट कलर का रिंग। ये मैंने ब्लैक कलर का सिंपल सा ब्रेसलेट पहना है और मैंने इयररिंग भी ज्यादा नहीं कुछ पहना है, सिंपल सा वही जो मम्मी ने पहनाया सोने वाला वही पे पहना हुआ है। एंड मेकअप में कुछ नहीं ज्यादा, थोड़ा बहुत, और लिपस्टिक लगाया मैंने। व्हाइट कलर का सूट गोल्डन काम किया हुआ है इसमें, तो आपको पता ही है। तो चलो अब चलते हैं खन्ना का प्रसाद खाने के लिए। दीदी भी रेडी हो चुकी है, तो चलो निकलते हैं। तो ये रहा हमारा खन्ना का प्रसाद रसिया रोटी और यहाँ पे पूजा हो रखा है, आप दर्शन कर लो। हम लोग आ चुके हैं अपनी दादी के घर, तो दादी ने मम्मी को बुलाया था तो हम लोग को भी बुलाया था और हम लोग आ चुके हैं। अब चलो खन्ना का प्रसाद भी खा लेते हैं। भैया और मम्मी शायद अंदर चले गए हैं, तो यहाँ पे दादी अभी सबको टीका वीका लगा दी है, हम लोग को भी लगा दी। अभी भैया देखो यहाँ पे इसको प्रसाद मिल चुका है और ऑलरेडी खा रहा है, और दीदी लोग सब रूम में बैठी हुई है। तो चलो हम लोग भी प्रसाद खाते हैं, रसिया और रोटी। किस किस को रसिया रोटी प्रसाद बहुत ज़्यादा पसंद है खन्ना का, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। और कौन कौन मेरे बिहारी फ्रेंड्स है वो भी कमेंट्स में बताना। तो चलो प्रसाद खाने के बाद मंदिर में आरती हो रही थी तो हम लोग वहाँ रुक गए। जानवर को जो रोड पे खड़ा होके, बिजी रोड में खड़ा होके ये नूडल्स खा रहे। खाली रोड है, खाली। कौन सा रोड है? हाई। सो गाइस, यहाँ पर मम्मी कुछ सब्जी खरीद रही है। क्या पानी ना छिटे तो लगे कि सूखल करे, इतना में हम का करे? ताक दे देखें का की करबे सगवाजी खा है भाई। हाँ। हमरा कल पारर के खाइगर जाइला है, की कभी लेगी रे? ले लो, दे दो आधा किलो दे दो। जब डेली हम इधर हल्ला कर रहे हैं एक भी आवाज तो कल पा रहे ने, तो हम लोग को निकलना है, इसलिए हम लोगों ने ज्यादा सब्जी नहीं ली है। साग लिया है, धनिया पत्ता लिया और थोड़ा सा मिर्ची लिया ताकि खराब ना हो जाए, क्योंकि साग हम लोग पारन के बाद ही खाएंगे, क्योंकि पारन से पहले नहीं खाना है ऐसा मम्मी ने बोला। फिर भी हमने खरीद लिया है, पारन के बाद खा सकते हैं। तो चलो गौरी वैसी रख दी है जो यहाँ रोड धोवाई हो रहा है दोस्तों, छठ पूजा के लिए, क्योंकि छठ पूजा के लिए। हाँ, पर वही तीन लोग सब जाती है ना लेट लेट के, हाँ इसीलिए। ये देखो यहाँ पर इधर से, इधर तो धोवा चुका है पूरा। ये देखो इधर मेरे घर के सामने बाकी है। तो हम लोग फाइनली जा रहे हैं शाम के अर्घ के लिए। तो यहाँ पे हम लोग छुट्टे फूल ले रहे हैं, उसके बाद जल्दी से भाग के आगे जाना पड़ेगा, नहीं तो भीड़ हो गई तो फिर कहाँ चले जाएंगे वो और कहाँ हम लोग रह जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। चलो रन रन रन, भागो जल्दी से और पकड़ो आंटी को, कहाँ चली गई आगे। तो दीदी तो भागने लग गई, हम लोग भी चलते हैं जल्दी जल्दी। सो गाइस, बहुत ज्यादा भीड़ है घाट पे, अंदर पूरा गंगा नदी में दलदल हो चुका है। तो हम लोग ने अर्घ दे दिया है तो अब हम लोग बाहर निकल गए हैं गंगा नदी के अंदर। मैंने बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि अगर मेरे हाथ से फोन छूटता तो वो सीधा पानी में जाता, क्योंकि बहुत ज्यादा दलदल और भीड़ देखो, भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ है। अरे
तो अब हम लोग घर जा रहे हैं फाइनली इतनी भीड़ के बाद। अब सुबह का इंतजार है, सुबह सो के उठना है जल्दी जल्दी और जाना है। तीन बार गिराई ला, हम गिराएंगे। पारन का प्रसाद भी खाने के लिए हम लोग दादी के घर आ चुके हैं और हम लोग सब मिलकर पारन का प्रसाद खा रहे हैं। बस आज आखिरी दिन है, उसके बाद तो हमें घर जाना है अपने वापस। तो ये देखो, ये जो ऊँट जा रहा है ना, ये जा रहा है काली जी की विसर्जन के लिए। तो हम लोग रात को आए हैं यहाँ पर।
तो चलो बाय बाय पटना, अब आएंगे हम अगले साल अगले छठ में और खूब सारा मजा करेंगे। तो अभी हम लोग अपने घर निकल चुके हैं और हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, हमने तीन वाली ट्रेन भी पकड़ी थी और यहाँ पर भैया भी बैठा हुआ है स्वेटर वेटर पहन के। रात हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंड है और ट्रेन में ज़्यादा लोग नहीं है, मतलब आगे वाली सीट पर थोड़ा दो चार लोग हैं और रात का ट्रेन था 9 बजे का और 11 बजे ये हमें पहुँचा देगा, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी। और ये रही मैं, बहुत ज़्यादा ठंड है यार, ऊपर से खाली ट्रेन, सारा खिड़की दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए हैं। तो फाइनली घर पहुंचने का देरी है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और घर चलते हैं। तो चलो गाइस, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।